हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विद्यालय सहायक और परिचारियों की होगी सीधी भर्ती। तो आप यहां पे देख सकते हो, ये जो लाइन है 19,263 पोस्ट पे जो है सीधी भर्ती होगी, जिसमें कि विद्यालय सहायक और परिचारी है। तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राज्य के माध्यमिक विद्यालय के तहत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के तहत स्वीकृत पद पर 50 व्यक्ति नियुक्तियाँ अनुकंपा से की जानी है। पदों को नियोजन के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी कर ली है, ठीक है। इसके लिए पद सृजित किए गए हैं। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी की स्वीकृत पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। यानी कि अभी कैबिनेट से जो है मंजूरी नहीं मिला है, हो सकता है कि नेक्स्ट कैबिनेट का जो बैठक होगा उसमें इसमें मंजूरी मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में इन पदों पर केवल अनुकंपा से नियुक्ति चल रही है। तो अभी जो है इन पद पर केवल अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होता है, लेकिन अब जो है इस पर सीधा भर्ती होगा। और देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है 6,421 प्लस टू विद्यालयों में विद्यालय परिचार सहायक के पदों पर नियुक्ति की जाने का प्रस्ताव है, ठीक है। प्रत्येक उत्क्रमित स्कूलों में दो दो परिचारियों और एक विद्यालय सहायक, यानी कि दो विद्यालय परिचारी रहेगा और एक विद्यालय सहायक रहेगा। इस तरह दोनों पदों के लिए कुल 19,263 पद जो है स्वीकृत किया गया, तो काफ़ी अच्छा है। और विभिन्न शासकीय विद्यालय में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी का मसलन आदेशपाल के पद स्वर्ग को खत्म करके रिक्त पदों को कार्मिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारियों के पद सृजित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के अधिकतर विद्यालय और उच्च विद्यालयों में तो लगभग पद खाली है, और बहुत दिनों से जो पहले थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अब लगभग यहाँ सभी विद्यालय में आप देखोगे तो ये पद खाली है, लेकिन अब जो है इस पर बहाली होगा। और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट कैबिनेट बैठक में इस पर मंजूरी मिल जाए और बहुत जल्द ये बहाली आप लोगों को देखने को मिले। तो इसके लिए, इसके अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर कुछ अपडेट आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।